स्वागत है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। तो आज जैसे कि जैसे सोमवार को हम लोग वेज खाते थे, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को वेज बिरयानी। आलू उबालने के लिए कलर डालकर, और ये मैंने चावल भिगा दिया, अब हम लोग पानी चढ़ा देंगे। तो हमने पानी चढ़ा दिया है, और यहाँ ले लिया हमने तेज पत्ता, खड़ा गर्म मसाला और नमक। इसको हम डाल देंगे पानी में। हमारा पानी जब खदक जाएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। टमाटर, कच्ची मिर्च और अदरक, इसको हम पीस लेंगे। और यहाँ लिए हमने सोयाबीन, इसको हमने भिगा दिया है थोड़ी देर के लिए। तो गाइस सोयाबीन को भी हम थोड़ा सा उबाल लेंगे। ये मैंने डाल दिया कढ़ाई में तेल, और ये डाल दूंगी आलू एक एक करके। तो ये आलू फ्राई बन चुके हैं, हम इसका पानी झाड़ लें। हमारा आलू फ्राई हो चुके हैं, हम इसको निकाले। अब इसमें मिर्ची, अदरक और टमाटर का पेस्ट हमने लिया है, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, नमक और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। और ये हमारे टमाटर, अदरक और मिर्च का पेस्ट फ्राई हो रहा है। हम डाल देंगे इसमें सारे मसाले, उसको भून लेंगे। और उसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर हमारी सोयाबीन, जो हमने उबाल के रखी थी थोड़ी सी। आज हम यहाँ ले रहे हैं केवड़ा वाटर, उसके बाद गुलाब जल, और यह है बिरयानी का अतर। गाइस ये है बिरयानी का सेंट जो हमने डाल दिया है, और ये हम इसमें डाल रहे हैं कलर। उससे लास्ट में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बिरयानी का मसाला। सोयाबीन का ये रेडी हो चुका है। हम डालेंगे इसमें तेल, जो सब्जी वाला तेल। उसके बाद डालेंगे हम इसमें राइस। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाला, बिरयानी मसाला। उसके बाद डालेंगे आलू, सॉरी, उसके बाद डालेंगे हम इसमें कलर। उसके बाद डालेंगे आलू, उसके बाद डालेंगे इसमें सोयाबीन जो हमने बना के रखी थी। और इसी प्रोसेस में हम पूरी बिरयानी को सजा लेंगे। सबसे लास्ट में डालेंगे हम इसमें नींबू, और उसके लास्ट में हम डालेंगे इसमें घी। तो हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी, और हम इसको चढ़ा देंगे पानी पर और इसको देंगे ढक। वेज बिरयानी तो खा के बताती हूँ, बहुत अच्छी बनी है। बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि प्याज और लहसुन नहीं पड़ा हुआ इसमें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। आज के लिए टाटा।